देवऋषि देवराज इंद्र के साथ क्या कर रहे हैं? राम ब्रह्मदेव प्रणिपात ब्रह्मदेव कृपा करके देव सभा में शांति बनाए रखे। देवराज इंद्र आप अकस्मात यहां और अपनी संपूर्ण सेना के साथ। ब्रह्मदेव इस सभा ने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण स्वयं हमें यहां आना पड़ा। इस समय तो आप दोनों कारागार में बंदी बने हुए हैं, तो आप अपना प्रतिशोध कारागार में लेकर कैसे लेंगी देवी पौलमी? आप कृपा कर इसे देवराज इंद्र तक पहुंचा दीजिए। बस इतनी सी बात है। ब्रह्मदेव हमारी अनुपस्थिति में हमारी पत्नी पर इस प्रकार का अन्याय आप सब कैसे कर सकते हैं? देवी पौलमी ने कुछ अनुचित नहीं किया, उन्होंने तो अपने गुण धर्म का पालन किया और अपने धर्म का पालन करना कोई अपराध नहीं है। ब्रह्मदेव हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि तत्काल ही देवी पौलमी को कारागृह से मुक्त किया जाए। यस यस यस। वैसे रुद्राक्षी बेटा अब तुम क्या नाची बेटा, वाह मजा आ गया, लोग तो बस देखते रह गए। हाँ वो तो ठीक है बाबूजी, लेकिन आपको मानना पड़ेगा नचाया तो हमने था है? नहीं माधुरी जब हम बाबा बने थे है? अरे अरे बाबूजी आपको तो याद होगा ना जब हम बंगाली बाबा बने थे तो यहाँ आए थे ना, याद होगा ना, घर पर आए थे आए थे वहाँ बैठे। यस यस याद। अरे रेडियो रेडियो बाबा याद है आपको? हाँ रेडियो बाबा बनकर ऐसा नचाए थे कि लोगों का मतलब हमारा आशीर्वाद कम पड़ गया था, लोगों की लाइन ज्यादा हो गई थी, ऐसा क्या बात है। अरे बाबूजी हम आपको कहा बताएं, इन पे तो इतना पागलपन सवार था ना कि इनको देखा देखी इनके सारे के सारे भक्त पगला गए थे बिल्कुल। पापा कितने दिनों से आप कहीं बाहर नहीं गए, क्यों ना आप कहीं घूमने जाओ? नॉट अ बैड आइडिया। अगर बाहर ही घूमने जाना है तो सब लोग साथ चलते हैं ना, बड़ा मजा आएगा। हम चलेंगे ना। अमेरिका चलते हैं बेटा। नहीं क्या है कि अब हम बड़े तुम्हारे साथ चलेंगे तो क्या फायदा क्या है बेटा, तुम दोनों घूम आना। कल ही तो तुम्हारी शादी हुई बेटा, अब तुमको एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त अकेले तो बिताना चाहिए। प्रिय हम हैं देवराज इंद्र। प्रणाम देवेश। देवी हम इंद्र महल पहुंचे तो हमें सूचना मिली कि आपको यहां बंदी बना दिया गया, ऐसा क्या हुआ देवी? देवेश इन्हें अपनी त्रुटि का आभास हो इसलिए मैं इन्हें देवलोक के सबसे कठोर कारागृह में भेजता हूं। असुरराज असुर कन्या होने का दंड हमें पुनः मिल गया, अब हम क्या करें? हम तुम्हारी सहायता करेंगे। अब युद्ध ही अंतिम विकल्प है। असुरराज और देवी पौलमी देव सेना से युद्ध में पराजित भी हुई है, इसलिए असुरराज और देवी पौलमी अनिश्चित काल के लिए कारागृह में डाला जाता है।
अब आप ही बताए देवेश, हमने ऐसा क्या किया जो हमें इतना कठोर दंड दिया गया? क्या बेटे, अपना वो वेलकम केमिस्ट है ना? हाँ, एक मिनट। वेलकम केमिस्ट है? हाँ। तो उससे बेटे ये दवाइयाँ ले आना। हाँ, कोई बात नहीं, नौकर को भेज देंगे। नहीं नहीं, क्या है, कोई गलतियाँ कर देते हैं कभी कभी दवाई लाने में। हाँ बेटे, तुम जाओ और ये दवाइयाँ ले आओ। क्या तो कोई तकलीफ है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। बेटा जो जाके ले आओ। इतने में हो जाएगा? देख लो, पैसे कम तो नहीं पड़ने चाहिए बेटा। ये बढ़ऊ ससुरा भी हर बार रंग में भंग मिलाता है। हाँ वैसे दवाई के बहाने कछु पैसे बचेंगे, मिठाई विठाई खा लेंगे, और क्या है। रुद्राक्षी बेटी, अभी गर्मी है इस वक्त, है? चलो अंदर चलते। दादू प्लीज थोड़ी देर और प्लीज। ठीक है बेटा, आ जाओ। ये बॉल जिसकी भी है, अगर वो मांगने आ गया तो? इतना क्या सोच रही है? अरे उठा ना बॉल। एक काम करती हूँ, उठाई लेती। खेल लेती हूँ, अगर कोई आएगा तो मैं उसे वापस लौटा दूंगी। दूसरों के बॉल के साथ खेलना गलत बात है। कृष्णा ने सिग्नल दे दिया। कृष्णा आंटी मुझे चिढ़ा रही है, अभी बताती हूँ मैं उनको। कृष्णा आंटी ये लीजिए। देवगन, इस आपातकालीन देव सभा को संगठित करने का प्रयोजन आप सभी भली भांति जानते हैं। इसी कारण हम सीधे विषय पर आते हैं। देवराज इंद्र ने देवराज होने के पश्चात भी देव सभा के नियमों का पालन नहीं किया है। इसी कारण हम देवराज इंद्र के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव निवेदित करते हैं। आप सभी देवगण ध्वनि मत द्वारा इस निर्णय को पारित या अस्वीकार कर सकते हैं। हम सब इस निंदा प्रस्ताव को पारित करते हैं। हाँ हाँ, हम सब पारित करते हैं। हाँ हाँ, प्रस्ताव पारित करते हैं। हमें आप सबका ध्वनिमत प्राप्त हो गया है। अब हम इस विषय पर आगे क्या कार्रवाई करनी है, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या भैया? इस पागल को यहाँ क्यों ले आए? पागल नहीं है हम। खड़े तो रिपोर्ट दिखाओ हमारी। अरे यार, पकड़ के रखो यार तुम इसको। हाँ, लाओ अंकल, लाओ, हम पढ़ते हैं। हाँ। जी हाँ, सच कह रही है, ये पागल नहीं है। तुम्हारी बात मान लेंगे हम। डॉक्टर कहीं नहीं आए? हो गया है? क्या कर रही हो? महंगी वाली भाषा अंग्रेजी है, तुम्हारी बस की नहीं है, छोड़ो। अरे रुको, समझने दो। मतलब एक में तुम्हारी समझ नहीं आएगा हमको। संतोषी, इतने प्यारे बलून है ना वहाँ पे। हाँ। रुद्राक्षी के लिए ले लेते हैं, खुश हो जाएगी। हाँ, वहाँ थोड़ी देर रुकेगा गाड़ी, हम फटाफट लेकर। मैं लेफ्ट लेता हूँ।
क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं रोकी? बलून वाला पीछे चला गया, क्या हुआ? संतोषी ब्रेक नहीं लग रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ब्रेक क्यों नहीं लग रहा। कोशिश कीजिए ना। अरे कोशिश तो करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ट्रक वाला सुन क्यों नहीं रहा? अरे ये क्या हो गया, सर्वा बैटरी भी चली जाती है। अरे हटो, ठीक है कि नहीं? संतोषी तुम ठीक हो? ठीक है चाचा जी। हाँ हम ठीक है। बेटा लो पानी पियो। जी पानी। माता रानी कृपा से आप लोग सुरक्षित है, लेकिन आपकी गाड़ी इतनी तेज क्यों भाग रही थी? पता नहीं कैसे, लेकिन गाड़ी के ब्रेक फेल हो गया था। मामा पापा आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बेटा, दोनों ठीक है, बस आपके पापा की गाड़ी को थोड़ा नुकसान हो गया। ये कार हमारी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी लाइफ से ज्यादा कीमती नहीं, हमारी जान ज्यादा कीमती। कृष्णा की बात नहीं करके संतोषी ने उचित किया। वैसे संतोषी को ज्ञात हो गया है कि कृष्णा के पास शक्तियां हैं, किंतु माते यही शक्तियां संतोषी के जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। आज की घटना से ये तो निश्चित हो गया है कि तृष्णा संतोषी के पति के साथ कोई भी अनुचित नहीं करेगी। जिस प्रकार संतोषी को तृष्णा की शक्तियों के बारे में ज्ञात हुआ है, उसी प्रकार उसे ये ज्ञात होना भी आवश्यक है कि रुद्राक्षी का साथ उसे सदैव सुरक्षित रखता है। नारायण नारायण, हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि आप यहाँ कारागार में हैं, परंतु उसके पश्चात भी आपने अपने पति देवराज इंद्र के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित करवा दिया। ये तो अत्यधिक अच्छी सूचना है। यदि देवराज इंद्र देवताओं के विरुद्ध हो जाए तो क्षण भर में हमारा कार्य हो सकता है। देवताओं ने निंदा प्रस्ताव पारित कर जो अग्नि प्रज्वलित की है, अब हमें उसे और विध्वंसक करना होगा। पता नहीं इस रुद्राक्षी को हमारे रास्ते से कैसे हटाएंगे। मैं तो कहती हूं उसे जिंदा जला देते हैं, या फिर उसे किसी नदी में डुबोकर मार डालते हैं। नहीं, सबसे अच्छा होगा हम उसे किसी ऊंची जगह से फेंक देते हैं। खाई में गिरेगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा वो कहां गई। अच्छा आप लोग कुछ भी कर लीजिए, वो अपनी शक्तियों से फिर से बच जाएगी और फिर से हम लोग फंस जाएंगे। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कौन सा आइडिया तृष्णा? मॉम, शमशान में पॉजिटिव एनर्जियां काम नहीं करती। अगर हम किसी भी तरह रुद्राक्षी को वहां लेकर जा पाए तो उसे काबू करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या है? अरे तुम यहां कब से हो यहां पे?
क्या बोलूं? कहो क्या है, क्या क्या मतलब? 15 मिनट से यहाँ है, इन फाइलों से नजर हटेगी तब तुम पर जाएगी, सौतन फाइल कहेंगे। अच्छा तो ये सारी फाइल तुम्हारे दुश्मन है? ये फाइलें तुम्हारी दुश्मन है ना, ये लो साइड कर दिया। अब बोलो क्यों? खाने के लिए आए थे कि खाना तैयार है? अब बस चलिए। लेकिन मैं देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, मैं जो कहना चाहता हूँ प्लीज डोंट रिएक्ट। मैं सुबह से बाहर हूँ तो कुछ काम नहीं हो पाया है। अच्छा हाँ, और ये जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईमेल भेजना बहुत ही अर्जेंट है मेरे लिए। अच्छा, वरना मेरा काम काफी हैम्पर हो जाएगा, और काम धर्म है, धर्म पूजा है, तो तुम एक काम करो जाके खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। सिने बिल्कुल सही कहा है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। ए, कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? मैं शेषनाथ, शेषनाथ, शेषनाथ। कैसे आया तू? मैं साइकिल पे आया। छोड़ना मत इसे, ये कोई जासूस लगता है। नमस्ते कामनी जी, नमस्ते तृष्णा जी, नमस्ते। सच सच बताओ तुम यहाँ आए कैसे? ओ, हम आपसे मिलना चाहते थे, जरूरी काम था इसलिए हम आपके पीछे पीछे चले आए। नारायण नारायण, प्रणाम ब्रह्मदेव। देव ऋषि तो इंद्रदेव को अपने साथ लेके आने वाले थे, किंतु ये तो अकेले ही आ रहे हैं। देव ऋषि नारद, देवराज इंद्र आपके साथ क्यों नहीं आए? नारायण नारायण, पितामह, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, हम देवराज इंद्र को देव सभा में बुलाने हेतु गए थे, किंतु आश्चर्य आश्चर्य की बात तो ये है कि उन्होंने देव सभा में आने से मना कर दिया। हाँ हाँ पितामह, उन्होंने देव सभा में आने से साफ साफ मना कर दिया। पितामह, देवराज इंद्र जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं उससे हमारे मन में एक आशंका आई। किस प्रकार की आशंका देवी संतोषी? क्या वो इस समय देवी पौलमी के संपर्क में है? देवी संतोषी, देवी पौलमी इस समय कारागृह की बंदी है, और देवी पौलमी को कारागृह में केवल देव ऋषि नारद ही मिल सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। नारायण नारायण, क्षमा चाहते हैं पितामह, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें एक बार माता की आशंका पर भी विचार करना चाहिए। कहाँ रुद्राक्षी, कहाँ चली गई? बता ना मैं कहाँ हूँ? अभी पकड़ने वाले अन्य कौन? अरे अरे मेरे बाबू आप। रुद्राक्षी बहुत उछल कूद हो गई तुम्हारी, अब ठीक है, अब तुम्हें स्कूल जाना होगा। जाओगी ना? हाँ पापा, जरूर जाऊंगी। हाँ तो फिर मैं आज जाता हूँ, आज जाके सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, और बहुत जल्दी तुम्हारे अच्छे स्कूल में दाखिला भी करा दूंगा, ठीक है? लेकिन उसके बाद तुम्हारी ये जो मस्ती है बंद करनी पड़ेगी, और ध्यान से पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगाऊंगी। ठीक है, मैं आज ही जाके पता करता हूँ तुम्हारे स्कूल के बारे में, एडमिशन के बारे में, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। आप यहाँ? हाँ हम यहाँ, पर तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों हो? हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं ताकि तुम्हारी कहानी खत्म कर सके। और रुद्राक्षी, ये शमशान है, यहां तुम्हारी कोई शक्तियां काम नहीं करेगी।
समझ आ गया आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए। गौ माता, इस प्रकार किसी भी परिस्थिति का उपहास नहीं करना चाहिए। क्षमा करे माते, किंतु माते आप स्वयं देख सकती हैं कि रुद्राक्षी सारी स्त्रियों के साथ किस प्रकार की क्रीड़ा कर रही है। माते, देवी पौलमी की अनुचर अत्यधिक चतुर है, अब वो रुद्राक्षी के भी प्राण हरना चाहती है। गौ माता, हम देवलोक के नियमों से बंधे हुए हैं। जब तक ब्रह्मदेव आज्ञा नहीं दे हम कुछ नहीं कर सकते। इस समय यहाँ की परिस्थितियाँ उचित नहीं है। एक बार देवलोक में सब सामान्य हो जाए उसके पश्चात ही कुछ कर सकते हैं। जी देवी पौलमी, आशा है कि हमारे स्वामी हमारी इस दुविधा का समाधान अवश्य ही निकालेंगे, क्योंकि उन्हें हमारा पक्ष समझ आ गया है। अवश्य देवी पौलमी, हम भी यही आशा करते हैं कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही हो। किंतु अब हमें आज्ञा दे देवी पौलमी, समय अधिक हो गया है और हमें अन्य स्थानों का भी भ्रमण करना है। आशा करते हैं कि शीघ्र अति शीघ्र ही आपसे पुन्ना भेंट होगी और आपसे भी हसुरराज। नारायण नारायण। पुत्री, ये तुमने अभी अभी क्या किया? हसुरराज, देवताओं को लगता है कि वो अत्याधिक चतुर है, किंतु हम उनसे चार पग आगे हैं। देवता हमारे साथ क्या करने वाले हैं? अब इस बात की जानकारी हमें प्रत्येक क्षण होगी। कर दिया आपको माफ। आजा। मेरी मामा कहती है अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। पर आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, हम प्रॉमिस करते हैं। हाथ भी हिलाया और तुम्हारी कसम भी खाई कि हम तुमको कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। और देखो हम कान पकड़ लेते हैं, तुम बोलो तो हम उठक बैठक करें, उठक बैठक कर लेते हैं। चलो गिनो। हाँ गिनो। हाँ। अरे बस भैया बस है? इतने में ही थक गए। साइकिल कौन चलाएगा बताओ? आओ चलो। अच्छा एक बात कहें, तुम घर पहुंच के ना किसी को बताना मत हमने जो किया। और क्या है ना कि तुम्हारे पापा को अगर पता लग जाएगा कि हमें कोई प्रेत आत्मा वगैरह घुस गई तो हमको पागल खाने भेज देंगे। और तुम लोग तो जानती हो ना हमको सुई से कितना डर लगता है। हंस का है रही हो? नहीं बताओगी ना? ठीक है ठीक है, तो चलो चलते। अरे चंपा को तो भूल ही गए। आओ बैठो बैठो। पिताश्री ब्रह्मदेव ने देव सभा में कहा था कि देवी पौलमी से भेंट करने की अनुमति केवल हमें, किंतु देवी पौलमी के बातों से तो यह स्पष्ट हो गया है कि देवराज इंद्र से भी उनकी भेंट हुई है। अर्थात माता संतोषी की आशंका उचित थी। हमें शीघ्र अति शीघ्र यह सूचना ब्रह्मदेव को देनी होगी। अच्छा तो देवर्षि, आप गुप्तचर भी बन गए, किंतु कोई बात नहीं, अब हमें देवलोक की प्रत्येक गतिविधि की सूचना मिलती रहेगी। नारायण नारायण। यदि देवी पौलमी कारागार से मुक्त हो गई तो विनाश हो जाएगा।
विनाश, ब्रह्मदेव, रुद्राक्षी, 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 रुद्राक्षी कहाँ हो बेटा? अरे संतोषिया, हमने पूरे घर में देख दिया, अरे रुद्राक्षी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है और देवर जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। है दया चीची, हमने भी बागीचे से लेकर के बाकी सारा घर ढूंढ डाला, हमको भी कहीं ना मिले। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों, बता कर भी नहीं गए। हम शेषनाथ को फोन लगाते हैं। आज तो आपने मुझे खुशी कर दिया। नारायण नारायण, प्रणाम ब्रह्मदेव। पितामह, आपके आदेश अनुसार हम कारागार का अवलोकन करने गए थे और हमारा संवाद देवी पौलमी से भी हुआ, इसलिए हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देवराज इंद्र देवलोक के नियमों का उल्लंघन करते हुए देवी पौलमी से भेंट करने हेतु गए थे पितामह। हाँ हाँ गए थे। इतना ही नहीं पितामह, देवी पौलमी ने तो हमसे ये भी कहा कि उनके पति देव देवराज इंद्र छल या बल से शीघ्र अति शीघ्र ही उन्हें कारागार से मुक्त भी करवा देंगे। पितामह अब क्या होगा, पितामह अब क्या होगा? इससे स्पष्ट हो गया है कि देवराज इंद्र देव सभा के विरोधी हो गए हैं। हमें शीघ्र देव सभा संगठित करनी होगी और नए देवराज के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ करनी होगी।